नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं प्रोग्रामिंग सीरीज़ में, आपको आज प्रोग्राम बनाकर दिखाएंगे, प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये कोड आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपको ये पूरा फॉर्मुलेट करके दिखाया गया है, हम आपको लेकर चलते हैं कोड ब्लॉक पे, जहाँ पर ये कोड हमने रन किया है। ये दोस्तों देखिए, 9 लाइनों का कोड है। इसके लिए हमने करना क्या है, हमने जो है फ्लोट वेरिएबल ले लिया है। जितनी भी दशमलव वैल्यूज़ की गणना की जाती है उनको हम फ्लोट डेटा टाइप में ले लेते हैं। वेरिएबल के दो नाम ले लिए हैं, रेडियस और एरिया, क्योंकि रेडियस कैलकुलेट होगा, एरिया हम जो है लास्ट में फॉर्मुलेट करेंगे। हमने प्रिंट एफ करके बोल दिया है कि एंटर द रेडियस ऑफ द सर्किल। इमेजिन कीजिए, यहाँ पर कोई रेडियस सर्किल का एंटर करने वाला है, लेट से हम यहाँ पर 5 इमेजिन कर लेते हैं। ये 5 वैल्यू जो है ये रेडियस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाने वाली है। परसेंटेज एफ लगाया जाता है, क्योंकि फ्लोट एफ अगर आप यूज़ कर रहे हैं फ्लोट, तो आपको परसेंटेज एफ लगाना पड़ेगा। एरिया जो फार्मूला है दोस्तों, मैथमेटिकली ये सब जगह दुनिया में यही लिखा जाता है, 3.10 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। तो आप मान लीजिए 5 आया, तो 5 इंटू 3.14, तो ये वैल्यू एरिया के अंदर आ जाएगी और हम प्रिंट करा देंगे एरिया ऑफ सर्किल परसेंटेज एफ एरिया। तो जो भी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होकर आएगी दोस्तों, क्योंकि 0.14 दे रखा है इसलिए फ्लोट का इस्तेमाल किया गया है। मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर जो है 5 ले लेते हैं और आपको 5 लेकर यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, हमने 5 लिया, 5 जो है दोस्तों रेडियस के अंदर आया होगा, यहाँ पर कैलकुलेट हुआ होगा। तो 3.14 इंटू 5 इंटू 5 जो भी कैलकुलेशन आई है, 78.50 वो एरिया के अंदर आ गई है और एरिया को हमने प्रिंट करा दिया है। हम कोई दूसरी वैल्यू लेकर आपको दिखा देते हैं। लेट से हम यहाँ पर ले लेते हैं 15। हम जैसे ही एंटर करेंगे, ये देखिए ये वैल्यू आ गई है दोस्तों। तो 15 × 15 × 3.14, तो वैल्यू आ गई है 706.50। तो दोस्तों ये बड़ी आसानी के साथ एरिया कैलकुलेट हो गया है सर्किल का, और रेडियस के फॉर्म में इसको जो है चेक किया जाता है दोस्तों। तो ये बड़ा ही आसान सा कोड था, बड़ा ही आसान सा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को लिखकर देखिए, बनाकर देखिए, जो भी मोबाइल एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।